चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एज शोन इन द फिगर, टू इक्वल मासेस ईच ऑफ 2 किलोग्राम आर सस्पेंडेड फ्रॉम स्प्रिंग बैलेंस, द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग विल बी। अच्छा, ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर जनरली लोग सोचते हैं कि अगर टी फोर्स इधर लग रहा है स्प्रिंग बैलेंस पे, टी इधर लग रहा है, तो जनरली बच्चे कहते हैं कि टू टी फोर्स इसमें शो करेगा, जबकि ये टी ही फोर्स इसमें शो करता है। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि एक जो फोर्स है दूसरे का सपोर्ट का काम करता है, एक फोर्स दूसरे के सपोर्ट का काम करता है, तो फोर्स टू टी नहीं लगेगा, टू टी फोर्स नहीं लगेगा इस स्प्रिंग बैलेंस पे, सिंगल टी लगेगा। अगर इसका 2 के जी है तो इस पे जो टी फोर्स इधर लग रहा है टेंशन टी, वो टी की वैल्यू 2 के जी वेट के बराबर ही होगी। 2 के जी वेट, मास 2 के जी है तो 2 के जी वेट के बराबर होगी। तो थर्मल टेंशन अगर टी है ऊपर और नीचे तो इसकी वैल्यू 2 के जी के बराबर होगी। तो अब इधर भी दोनों टेंशन लगेगा, इधर और इधर दोनों टेंशन इस थ्रेड में लगेगा। तो इस देखा जाए इस स्प्रिंग बैलेंस पे दो फोर्सेस लग रहा है। अगर मैं स्प्रिंग बैलेंस की बात करूं तो इधर भी टी लग रहा है, इधर भी टी लग रहा है इस स्प्रिंग बैलेंस पे, लेकिन एक टी दूसरे के लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, इसलिए स्प्रिंग बैलेंस में जो रीडिंग आएगी वो टी के इक्वल आएगी। और टी की वैल्यू किसने के इक्वल है, 2 के जी वेट के बराबर है, ठीक है। तो मास 2 के जी है तो ऑब्वियस बात है 2 के जी वेट के बराबर हो, तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है? ये वाला बी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।